Data mining has witnessed explosive list of applications in recent times. In Lisp में एक बड़ी ही interesting application है that is related to text mining. अब ये text mining की application है ये itself extract की गई है from the domain of natural language processing. इस module में हम ये देखेंगे कि what is natural language processing और what are the constituent parts of any natural language processing application. If I start from the definition of NLP, which stands for natural language processing, so I can say that it is a part of artificial intelligence domain in which we try to solve two goals. What are those goals? First goal is related to scientific goal, in which we try to understand the way in which any language operates. And the other goal is engineering goal. Engineering goal is related to how a language is generated, developed and maintained on an e-computing machine. NLP ki jab bhi hum baat karte hain means ke natural language processing ki applications ki to isse murad hamare paas ek bada hi common sa concept hai jisko kehte hain Turing test. Ab ye Turing test kya hai aur iski kya ahmiyat hai yahan is jagah par hum thodi si discussion karenge. Hamare paas idea ye hai ke hamare paas ek insaan hai jisko hum human keh rahe hain yahan par और एक मशीन है और एक हमारे पास पर्सन है जो ये टेस्ट कंडक्टर है जो ट्यूरिंग टेस्ट करेगा. अब होगा क्या कि जो ट्यूरिंग टेस्ट का जो टेस्ट कंडक्टर है दिस वन उसके और इस मशीन और ह्यूमन के दरमियान एक पर्दा मौजूद है. पर्दे से मुराद क्या है कि ही डजंट नो विच वन इज द ह्यूमन एंड विच वन इज द मशीन. अब उसने क्या करना है, उसने अपने कुछ क्वेश्चंस करने और फिर इंसान उसके जवाब देगा. इसी तरह कुछ क्वेश्चन करेगा और मशीन या कंप्यूटर उसके जवाब देगा. अब आफ्टर सम क्वेश्चंस इफ द पर्सन दिस टेस्ट कंडक्टर डजंट अंडरस्टैंड विच वन इज द मशीन विच वन इज द ह्यूमन, तो ऐसी मशीन जो ये टेस्ट पास कर ले जिसमें टेस्ट कंडक्टर जो है ये डिफ्रेंशिएट ना कर सके, ये ना बता सके कि कौन सी जो चीज है वो मशीन है और कौन सी जो चीज है वो इंसान है, तो हम ये कहते हैं कि ऐसी मशीन ने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया. अनफॉर्चुनेटली ये वाला टेस्ट आज तक कोई मशीन पास नहीं कर सकी. अब जब मशीन पास नहीं कर सकी तो वाई दिस टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि इस टेस्ट की बेस पे हमारे पास बहुत ज्यादा सिस्टम डेवलप किए गए. ऑल्दो ये लिस्ट सैकड़ों में है, देर आर सो मैनी टेस्ट और मशीन और एप्लीकेशन अवेलेबल, बट हेयर आई विल जस्ट फोकस और एक्सप्लेन वन ऑफ दोज एप्लीकेशन, एलिजा. एलिजा जो है ये रफली 1964 में प्रपोज किया गया था फ्रॉम MIT लैब्स. MIT स्टैंड फॉर मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, विच इज अ वेरी वेरी पॉपुलर नेम इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन. अच्छा, अब इन लोगों ने एक सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम एलिजा था, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक चैट बॉट था. चैट बॉट, चैट बॉट से मुराद क्या होता है कि ऐसी बॉट्स यानी कि रोबोट्स, ऑटोमेटिक रोबोट्स जो इंसान के साथ चैटिंग कर सकें, बात कर सकें. अच्छा, अब एलिजा के कंसेप्ट क्या था कि आप उससे अपने क्वेश्चंस पुट करते हैं और वो फिर आपको आंसर देता है. अब हाउ दिस एलिजा इज कनेक्टेड टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्पेसिफिक जनरली एंड हाउ इट इज कनेक्टेड टू लाइक ट्यूरिंग टेस्ट स्पेसिफिकली. अब क्या है, क्योंकि एलिजा जो है वो नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस में था. नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस, नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस से मुराद क्या है, जो ये यहां पर मैंने तस्वीर दिखाई इसमें आपको क्लियरली पता लगता है कि जो भी हम क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं दोज आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश और इंग्लिश एक नेचुरल लैंग्वेज है. सेकेंडली क्या था कि जो एलिजा है इसके अंदर आप चैटिंग कर रहे हो. चैटिंग से मुराद क्या है कि आपने क्वेश्चन किया और कंप्यूटर ने जवाब दिया, आपने फिर क्वेश्चन किया फिर कंप्यूटर ने जवाब दिया. तो ये एक एलिजा जो था ये एक फर्स्ट बॉट था जो हमें चैटिंग में हेल्प करता था. अब इसकी बेस पर फिर काफी ज्यादा आगे सिस्टम डेवलप हुए. फॉर एग्जांपल एक IBM का वॉटसन चैटबॉट है जिसने US में एक प्रोग्राम में विन किया था, जिसको आप आम लफ्जों में अगर समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जैसे कौन बनेगा करोड़पति एक प्रोग्राम है जिसमें जनरल नॉलेज से रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं, एक होस्ट होता है और वो डिफरेंट क्वेश्चन करता है और उसके सामने एक पर्सन बैठा होता है जो उन क्वेश्चंस के आंसर देता है. सिमिलरली IBM वाटसन एक सिस्टम था जो बेसिकली एक डीप लर्निंग का कंसेप्ट है विच इज रिलेटेड टू मशीन लर्निंग, उस पर उसकी ट्रेनिंग की गई थी.
और उसमें जनरल नॉलेज इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि उसने बहुत ज्यादा लोगों को हराकर एक हैवी अमाउंट में प्राइज विन किया था। अच्छा, अब हम इसमें फोकस क्या करना चाह रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं क्या, उनके सोल्यूशन कैसे हमें टेक्स्ट माइनिंग की तरफ लेके जाता है, और हाउ दे आर रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ डेटा माइनिंग और डेटा साइंसेज।